आप कभी ना कभी अस्पताल गए होंगे या मूवी में तो आपने ऑपरेशन थिएटर के सीन देखे ही होंगे। क्या आपने कभी डॉक्टर्स और नर्स की ड्रेस को ध्यान से नोटिस किया है? जब वे रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आपके पास आते हैं या आप उनके पास जाते हैं तो वे उस समय सफेद कलर की ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जब वे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं तो उनकी ड्रेस में बदलाव आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उसका विज्ञान से कुछ लेना देना है या सिर्फ बस ये एक परंपरा है? आइए जानते हैं ऑपरेशन के समय डॉक्टर्स हरे या नीले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं। अगर आप भारत जैसे खूबसूरत देश में रहते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शुरुआत से डॉक्टर नीले या हरे रंग के कपड़े नहीं पहनते थे, ये परंपरा बाद में शुरू हुई। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो पहले डॉक्टर्स और अस्पताल में सभी कर्मचारी सफेद कपड़े ही पहनते थे, लेकिन साल 1914 में इसे बदलकर हरा कर दिया गया। उसके बाद ये ड्रेस कोड ट्रेंड में आ गया। वैसे ही आजकल कुछ डॉक्टर्स नीले रंग के कपड़े भी पहनते। अस्पताल में दो रंगों के कपड़े पहनने के पीछे खास वजह रहती है। आपने नोटिस किया होगा कि क्लिनिक और अस्पतालों में डॉक्टर सफेद कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन जब वे ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो उनके कपड़े हरे या नीले रंग के हो जाते हैं। ऐसा है इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सों की आंखों को इस रंगों से आराम मिलता है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। ऑपरेशन थिएटर में कई बार डॉक्टर को लंबे समय तक ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे में लंबे समय तक खून के लाल रंगों से सामना होता है। ज्यादा समय तक आंखों के सामने लाल रंग रहता है तो उनकी आंखों पर काफी जोर पड़ता है, जिस वजह से कई बार डॉक्टर सर्जरी पर फोकस नहीं कर पाते हैं। उनकी आंखों को लंबे समय तक लाल रंग न देखना पड़े इसलिए ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।